गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना, गाई जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कड़ी में मैं पारमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम है हंगामा। जी बिल्कुल, वही कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं बॉलीवुड के नगमे। लेकिन आज नगमों के साथ हम कुछ और भी आपको याद दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, त्योहारों का मौसम तो शुरू हो गया है, नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है, अब आगे दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, भैया दूज आने वाला है, ऐसे ही त्योहारों का सिलसिला लगभग न्यू ईयर तक चलता ही रहेगा, बीच में हमारा बर्थडे भी आएगा। खैर, वो और बात है। अब हमारा जो पहले जैसा माहौल था वो चेंज हो चुका है, अब हम फेस्टिव मूड में हैं। क्या है कि हमें हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं और खुशियां ही खुशियां हम भी बिखेर रहे हैं। तो ऐसे खुशनुमार माहौल में हम मोहब्बत को कैसे भूल सकते हैं? जी बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार मोहब्बत की। एक वो एहसास जो जब तक सीने में धड़कता है आपको जवां बनाए रखता है, आपको जिंदा दिल बनाए रखता है, आपको खुश मिजाज बनाए रखता है। दोस्तों, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, ये तो बस एक एहसास है जो आपके अंदर अपने आप डेवलप होता है किसी के लिए। ये क्यों होता है ये तो मैं नहीं जानती, मगर ये होता है। कोई अच्छा लगता है और कई बार कई सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिसके वजह से अच्छा लगता है। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है कि हम अपने इस प्यार को, अपने इस मोहब्बत को किस तरीके से बनाए रखें। दोस्तों, सही कहें तो आज के डेट में अगर हम देखें तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। फिर चाहे आप बाहर वर्किंग करते हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपकी लाइफ तो हेक्टिक है ही है, क्योंकि आपको डेडलाइंस मीट करनी है, आपको कुछ नया बना के देना है। अगर आप जॉब नहीं भी करती हैं, सिर्फ हाउसवाइफ हैं, तब भी आपके अंदर प्रेशर की कोई कमी नहीं है। आप तब भी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, अपने परिवार वालों का, अपने बच्चों का, उनकी पढ़ाई का, घर संभालना। तो इन सब में आपको प्यार के दो पल के फुर्सत कहाँ मिल रहे हैं? तो अब चूंकि ये नवरात्रों का टाइम है, फेस्टिवल्स की बिगिनिंग है, तो बिल्कुल यही मौसम है जो मैं कहूँगी कि आप अपने लिए वक्त निकालिए और अपने जोड़े के लिए वक्त निकालिए, ताकि आप अपने उन मेमोरीज़ को रिवाइव कर सकें और आगे के दिनों को और भी ज़्यादा खुशहाल बना सकें। तो हमारे इस प्रयास के लिए हमारे संग आज जुड़ रही हैं रीता श्रीवास्तव जी, जो आपको कुछ टिप्स देना चाहती हैं कि अपने जीवन में आप अपने मोहब्बत को किस प्रकार से मजबूत बनाए रख सकते हैं, अपने रिश्तों को कैसे टिकाए रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं रीता श्रीवास्तव जी को कि वो हमें क्या बताना चाहती हैं। मेरे दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू, चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। गाए जा क्या रोना कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
बहनों, इश्क मोहब्बत और प्यार के चर्चे हम सदियों से सुन रहे हैं। किस्से कहानियां हो या राजा महाराजाओं के शौर्य का वर्णन, इन शब्दों के बिना कुछ अधूरापन सा लगता है। प्यार जब हो जाए तो सारी दुनिया ही हसीन लगती है। यहां तक पेड़ों की हवा में झूलती हुई टहनियां भी आगोश में भरती दिखाई पड़ती हैं। मगर इश्क प्यार और मोहब्बत में कुछ लोग आबाद हुए और कुछ का प्यार टिक भी नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आज इस विषय पर कुछ बातें करते हैं। प्यार हो जाने के बाद, सगाई हो जाने के बाद और विवाह हो जाने के बाद आपसी संबंधों को कैसे दुरुस्त रखा जा सकता है। लव मैरिज में तालमेल बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी रहती है। लेकिन अरेंज मैरिज में तालमेल के लिए लंबा समय चाहिए। कोर्टशिप पीरियड में कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। माना जाता है कि एंगेजमेंट के बाद कम से कम 6 महीने का वक्त कोर्टशिप के लिए दिया जाना चाहिए। कई युवा इस वक्त में ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, इससे कई बार उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। हर इंसान में कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन उन्हें वक्त के साथ सामने लाना चाहिए। कुछ युवा चाहते हैं कि इस दौरान उनका पार्टनर उनसे प्यार करने लगे। प्यार ज़रूरी है, लेकिन ये स्वाभाविक हो तो इसकी खुशबू जिंदगी को हरदम महकाए रखती है। सगाई से शादी के बीच का वक्त साथ जिंदगी बिताने जा रहे दो दिलों के लिए बहुत अहम होता है। मुलाकातों का दौर चलता है और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, लेकिन ये नज़दीकियाँ कई बार परेशानी का सबब बन जाती हैं। इसका नतीजा कई बार ब्रेकअप के रूप में सामने आता है और मन में हमेशा के लिए कड़वी यादें छोड़ जाता है। कोर्टशिप पीरियड केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि आपसी समझदारी और प्यार बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यह वक्त बेशक नज़दीक आने का है, लेकिन एक कामयाब शादी के लिए दूरियां भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं। शादी से पहले लड़की को प्यार हो जाए, ये हर लड़का चाहता है, लेकिन ये अरेंज मैरिज का मामला है, इसलिए इंतज़ार तो करना ही चाहिए। एक सच्चे प्रेमी की तरह धीरज रखकर उनकी हाँ का इंतज़ार करें। आपका इंतज़ार करना उन्हें पसंद आएगा। बातचीत में अपने पार्टनर से परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते रहें। घर के सदस्यों के बारे में जानें, उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बात करें। जब तक शादी होगी तो आप अपने पार्टनर के परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। पार्टनर के साथ ज़्यादा समय गुजारने के बजाय उन्हें अपना क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करें। हफ्ते में 2 बार थोड़े समय के लिए उनसे मुलाकात करें। हफ्ते में कुछ घंटे पार्टनर की फेवरेट जगह पर बिताएं। इसके अलावा कभी कभी मॉर्निंग वॉक करते हुए भी उनसे ताज़ा मुलाकात की जा सकती है। सगाई होने पर कुछ कपल्स ज़बरदस्त डेटिंग शुरू कर देते हैं। सगाई का ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्त डेटिंग शुरू कर दी जाए। पार्टनर के साथ बाहर जाएं, लेकिन नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ने न दें। कोशिश यही होनी चाहिए कि उनसे मुलाकातें घर या आसपास ही हों, ज़्यादा आउटिंग से बचें। पार्टनर से दिन भर फ़ोन पर बातें करेंगे तो दोनों का क्रेज़ एक दूसरे के प्रति कम होने लगेगा। वर्किंग टाइम में बेवजह एक दूसरे को परेशान करना झगड़े को बुलावा देना है। बातें करने के लिए रात का समय चुनें, क्योंकि हो सकता है अति व्यस्तता के कारण पार्टनर आपसे दिन में बात ना कर पाते हों। तो बहनों, इन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगी तो निश्चित है आपका प्यार भी टिकाऊ बना रहेगा और आपसे संबंध दुरुस्त होते चले जाएंगे। तो चलते चलते हम यही कहेंगे कि आपका प्यार भी मजबूत बना रहे और जीवन की खुशियां बरकरार रहें और हर बार रिश्तों को एक नई चाहत और एक नया जज्बा मिलता रहे, रोमांस बढ़ता चला जाए, जिससे कि पार्टनर हर बार यही कहे, हजारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, पर जहां तुम नहीं वहां हम अकेले हैं। इसके साथ ही रीता श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
दोस्तों आइए रुक करते हैं अब हम अपने बॉलीवुड गीतों की तरफ। जब हमने आज मोहब्बत का साज छेड़ा ही है तो आज हम गायकी भी उसी की करेंगे। तो चलिए मेरे साथ मोहब्बत को करते हैं जवां, और सबसे पहले सुनते हैं करण चौहान जी को। कैसे बताए कैसे जताए सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, आदत है, आदत है, आदत है। दूजे से जुड़ रहे एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत। आदत है।
अगला गीत आपके समक्ष आज लेके आ रही हैं आंचल वर्मा जी, जो लेके आई हैं फिल्म जुनूनियत से ये खूबसूरत गीत, मुझको बरसात बना लो। आहा मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूँ मैं बहकने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद ना आने की कोई तो वजह दे दो। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद ना आने की कोई तो वजह दे दो। हवा हूँ मैं लिपटने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। काहे की उदासी है तेरे संग गुजर जाए, ये उम्र जबा की है, हंस दो नजर आँख के काहे की उदासी है। सुबह हूँ मैं आने दो, मेरे कातिल मुझे जीने का हक तो दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। दोस्तों, अगला गीत आपके लिए डुएट है, जो लेके आई हैं ममता जी और उनके भाई साहब। गीत के बोल हैं किसी राह में किसी मोड़ पर, और फिल्म का नाम है मेरे हमसफर। आइए सुनते हैं ये गीत।
कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। हमारे साथ आज शशि निषाद जी जुड़ी हैं और फिल्म ऊंचे लोग से ये गीत लेके आई हैं आपके लिए, तू मेरा क्या लागे। Thank you.
मेरा क्या लागे ओ साथिया, तू मेरा क्या लागे ओ साथिया। लगना लग रे तेरे बिन कही जी, ओ साथिया लगना लग रे तेरे बिन कही जिया। मर जाते राहों में हम तेरी बाहों में, आगे जी गए जुल्फों के साए में, हम दिल के सारे रंग जाते राहों में, हम तेरी बाहों में आगे जी गए जुल्फों के साए में, हम दिल के सारे गम हंसते पी गए। तूने ही फिर जीना सिखला दिया, समक्ष एक डुएट जोड़ी कर रहे हैं अनिल और गीता शर्मा जी, जो लेके आए हैं फिल्म दिल दे के देखो से ये बहुत ही प्यारा गीत, हम और तुम और ये समा।
हम और तुम और ये सब क्या नशा नशा सा बोलिए न बोलिए सब सुना सुना सा हम और तुम और ये सब क्या नशा नशा सा बेकरार से होके हमको पास आने की गिर पड़ा जो हाथ से वो रुमाल उठाने की बनते क्यों हो जाने की तो बनते बोलिए न बोलिए सब सुना सुना आज बात बात पे आप क्यों समझने लगे थर थराए होंठ क्यों अश्क क्यों मचलने लगे लिपटे कैसे खोलने लगे लिपटे कैसे खोलने लगे हम और तुम और ये सब नशा सा बोलिए न बोलिए सुना सुना सा और दोस्तों ये आखिरी गीत आज की शाम की है शीला वर्मा जी से। जब जब फूल खिले से वो ये गीत लेके आई हैं अपने जोड़े के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत ये समा। ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा समा है ये प्यार का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का
अपने बलम से मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से नीले गवाही अपनी मैंने कसम से ये समा है तुम्हारे का किसी के इंतजार का दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे दशहरा के बाद। तब तक के लिए आप ये फेस्टिवल अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे दशहरे बाद। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आइए सुनते हैं करण चौहान जी को, जो लेके आए हैं ये गीत फिल्म वन नाइट स्टैंड से, और इसके बोल हैं इजाज़त।